प्यारे दर्शकगण, आप सबको आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई। साथ ही साथ उन महान आत्माओं को कोटि कोटि नमन है जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया तथा अपने प्राण गंवा। दोस्तों, हम जब कभी ऐसे अवसर आती है तो हम केवल सकारात्मक बातों पर विचार करते हैं। जरूरी है कि हम उसके कुछ वैसे पहलू पर भी गौर फरमाएं जो सबको जानना जरूरी होता है। दरअसल मेरे मन में ये बात आती है कि 200 वर्षों तक अंग्रेजों मुट्ठी भर अंग्रेजों को भारत में टिकाए कौन रहा? क्या उसमें भारतीयों का हाथ नहीं था? जाहिर है कि उतने लंबे समय तक भारत अंग्रेजों का भारत में रहना और उतने लंबे समय तक भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करना, इसके पीछे केवल अंग्रेज नहीं थे, इसके पीछे कुछ लोभी किस्म के भारत के लोग भी थे। उनके वंशज आज भी हैं। वो वंशज देश की आजादी के साथ समाप्त नहीं हुआ। वह एक प्रवृत्ति थी गद्दारी करना अपने देश से, अपने समाज से। उनके वंशज आज भी हैं और आज होकर हमारे सत्ता में, हमारे समाज में वे लोग आज भारत को इस स्थिति में लेकर जा रहे हैं कि भारत में गृह युद्ध होगा। भारत तेजी से गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, इस बात को हम नकार नहीं सकते। जिस तरह हमारे समाज में द्वेष असंतोष फैलता जा रहा है, यह एक गृह युद्ध का एक कारण बनता जा रहा है। खैर, आज हम इस शुभ अवसर पर इसमें लंबी परिचर्चा नहीं करेंगे। हम हर्षो और उत्साह के साथ हम लोग इस तिथि को मनाएंगे और आगे के लिए सचेत रहेंगे। और आज इस अवसर पर हमने एक कविता लिखी है जो हम आप लोगों को प्रस्तुत करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, शुरू से समापन तक, शुरू से समापन तक एक ही लक्ष्य हमारा है। शुरू से समापन तक एक ही लक्ष्य हमारा है, जन जन की शिक्षा सुरक्षा ही कर्तव्य हमारा है। हम पीछे दौड़े तो क्या हुआ? सबसे आगे कदम हमारा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हर दिशा में नाम हमारा है। देशभक्ति के वेदी पे माता, भारत माता, यह संकल्प हमारा है। आंच आए तेरे दामन पर, उसे पहले सरकलम हमारा है। मोहब्बत है जुबान हमारी, मोहब्बत से हिंदुस्तान हमारा है। मोहब्बत है पहचान हमारी, मोहब्बत ही जिंदगी हमारा है। रहा नहीं कभी खैर उसका, जिसने हमारे अस्मत को बिगाड़ा है। मिटा देंगे हम वजूद उसका जिसने हमारे शराफत को ललकारा है। धन्यवाद। आप लोगों को अपने कविता के माध्यम से हमने जो अपनी मन की संदेश को कहा है उस पे आप लोग अमल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।